उत्तर प्रदेश के बहराइच में पुलिस सर्विलेंस द्वारा 47 मोबाइल उनके मालिकों को प्रदान किए गए। वहीं पुलिस अध्यक्ष द्वारा पुलिस लाइन में जन सुनवाई व अन्य माध्यम से प्राप्त मोबाइल चोरी या गिरे हुए मोबाइल फोन के जनपद के सर्विलेंस शाखा के माध्यम से खोज कर उनके मालिकों को दिए गए। पुलिस अध्यक्ष द्वारा सराहनीय कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को भी सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर जिले की ग्राम सभा के समीप नारायणी नदी अपने उफान पर है। बीती रात से लगातार हो रहे बांध के कटान के बचाव में राहत अभियान कार्य जारी है। वहीं हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी ने क्या कुछ कहा अधिकारियों से और क्या कुछ बातचीत हुई है वो भी आप सुनिए। कुशीनगर जिले का नारायणी नदी है और नदी में आपको बता दूं जो है अभी उफान पर और भाईसहा ग्राम सभा और मैं आपको बता दूं यहां पर कटान जो है वो लगातार जारी है और बचाव और राहत कार्य भी अब यहां पर पहुंच गया और लगातार जो है बांध कटने से जो है उसको रोका जा रहा है। हमारा बचाव राहत का कार्य किया जा रहा है कि बोरी लगाई जा रही है यहाँ पे, बोरियों में बालू भर के या मिट्टी भर के उसको सिल के किनारे किनारे लगाया जा रहा है। कटान तो मैंने कल रात से शुरू हुई है तो कल रात से ही हम लोग के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। तो ग्रामीण मतलब इस कटान को लेकर काफ़ी भयभीत हैं तो उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मतलब उनको इससे भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग पूरी कंट्रोल में रखे हुए हैं और आशा है कि एक या दो दिनों में हम इसको कंट्रोल कर लेंगे। अगर पानी और बढ़ती है तो फिर राहत कोष क्या करेगी? पानी बढ़ती है तो भी हमारी पूरी तैयारी है, अगर पानी बढ़ती भी है या इसी स्तर पर रहती है तो हम इसके लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। CMN न्यूज़ अनुराग तिवारी कुशीनगर। मेरठ के प्रतापपुर थाना क्षेत्र में BTI कॉलेज में 3 माह से टेलीकॉलिंग का कोर्स कर रही छात्रा 3 दिन से गायब है। परिजनों ने थाने में तहरीर देकर मदद की गुहार लगाई है। आपका क्या नाम है, क्या समस्या? मैं बताऊंगा। नाम वासुदेव, मेरी बहन वो बेटी कॉलेज से गायब है, उससे मुस्तफ़ा नाम का लड़का लेके गया। अच्छा, और वो शिकायत की थी आपने? हाँ सर, मैं 3 दिन पहले आया था शिकायत करने के लिए तो ये बोले हमारे यहाँ का मुकदमा नहीं है, आप गाजियाबाद जाओ। हम फिर गाजियाबाद गए, वो बोल रहे यहाँ से कुछ नहीं लगा, आप प्रतापपुर जाओ। सर यहाँ आने के बाद फिर हमने बोला, बोल रहे हैं हाँ ठीक हम काम कर रहे हैं। सर मैंने ना पल की खबर दी, मेरे लड़का वहाँ पे है, लड़की वहाँ पे है, उसकी माँ वहाँ पे है, सब कुछ बोला, पर किसने कुछ नहीं बताया सर, किसने कुछ सहायता नहीं करी सर। क्या नाम है, क्या समस्या? मेरी लड़की का नाम निकेता है, वो BIT कॉलेज से लापता है, वहाँ से वो गए थे कॉलेज वो देखने कंपनी वगैरह, वहाँ से वो गायब है। हमने यहाँ पे तहरीर लिख के दी है लेकिन इन्होंने अब उसकी वो करी है, कंप्लेंट लिखी है। ये हम आ गए थे यहाँ पे परसों ही आ गए, 27 में आ गए थे हम यहाँ पे। तब से कोई मुकदमा दर्ज नहीं? नहीं कुछ नहीं, उन्होंने कहा आ जाएंगे तो मगर चलो आ जाएंगे तो ठीक है। तो नहीं वो सारे मोमडन हैं, मतलब कि हाँ मुमताज, इसके क्या नाम है उस लड़के का, मुस्तफ़ा का पिता का नाम मुमताज है और वो उनके नाम दर्ज रिपोर्ट कराई है, अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ। और जम्मू कश्मीर का है एक और है, क्या नाम उसका, जावेद। महुआ जिले के विकासखंड जैतपुर के राजकीय कॉलेज में शिक्षकों की कमी के कारण शिक्षा कार्य प्रभावित हो रहे हैं। विद्यालय में प्रतिभाओं की कमी को पूरा करने का प्रयास अधूरे मन से हो रहा है। हाँ सर, आपका नाम? हाँ, शंकर दयाल अनुरागी। अच्छा, आप कहाँ पे टीचर हैं? मैं GIC जैतपुर में हूँ। अच्छा, तो सर यहाँ सुनने को मिला है कि यहाँ अकेले आप ही देख रहे हैं? हाँ, मैं ही ऑफिशिएट कर रहा हूँ इधर, और हमारे यहाँ जो है 12 LD के पद सृजित हैं और 10 हमारे प्रवक्ता के पद सृजित हैं, जिसमें प्रवक्ता एक भी नहीं है। और LT में हमारे 3 लोग हैं, मुस्तैद, जिसमें एक हमारे श्री मजहर अहमद खान राजकीय हाई स्कूल जो रैया में संबद्ध है, और एक हमारे अभी 1 महीने पहले आए हैं श्री विनय कुमार दीक्षित बड़ोखर बुजुर्ग धाम से बांदा से, वो भी देख रहे हैं और सारी व्यवस्थाएं यहीं देख रहे हैं। सर कितने बच्चों के एडमिशन है आपके यहाँ? हमारे यहाँ 402 छात्र छात्राएँ हैं। और टीचर कितने हैं आपके? टीचर हमारे मूल रूप में तो 2 ही हैं कार्यरत, जिसमें मुस्तैद एक अध्यापक हमारे परमानेंट टीचिंग कर रहे हैं और मैं भी कर रहा हूं। और सारे बच्चों के बीच में बाकी आप? बाकी शेष PTA शिक्षकों से काम चल रहा है। अच्छा, बाकी तो आप अकेले ही देखते हैं? बाकी अकेले देखते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? महोबा से। डेली बिलोंग करते हैं? हाँ, डेली बिलोंग करते हैं। उत्तर प्रदेश के देवरिया में जनपद रुद्रपुर तहसील में मूसलाधार बारिश के कारण अंतर्गत निवासी पूनम शर्मा अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ खपरेल की मकान में सो रही थी। वहीं 4 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण रात्रि 2 बजे मकान गिरने लगा।
किसी तरह से महिला ने अपने बच्चों के साथ भागकर जान बचाई। इसी बीच मकान धराशायी हो गया और सारा सामान मलबे के तले दब गया। क्या नाम है आपका? पूनम शर्मा। क्या दिक्कत हुई है आपके साथ? ये मकान कैसे गिर गया? पानी गिरने की वजह से गिर गया। कब गिरा है? रात को 1:30 बजे। आप लोगों को किसी को कोई चोट वोट लगी है? नहीं, चोट नहीं लगी है। आप लोग कहाँ रह रहे हैं इस समय? इस समय दूसरे घर में हैं। खाना वाना कैसे, आप लोगों का भोजन का क्या व्यवस्था है? भोजन दूसरे घर से मिला है। अच्छा, कोई सरकारी मदद आप लोगों को? कुछ नहीं। कोई ग्राम प्रधान वगैरह या कोई सरकारी कर्मचारी आप लोगों को देखने आया? कोई नहीं आया। आमतौर पर हरी सब्जी और प्याज की उपस्थिति देखने को मिल ही जाती है। बिना प्याज के कोई भी सब्जी का मजा नहीं आता। जब भी कोई रसोईया सब्जी के लिए प्याज काटता है तब दो दो आंसू रोता ही है। जब यही प्याज बाजार में महंगे दामों में बिक रहा और बेलगाम होकर आम जनता की पकड़ से बाहर जाता हो तब भी जनता को दो दो आंसू रोना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि प्याज ने ही कहर बरपाया है, सब्जियों के राजा टमाटर ने भी अपना कहर बरपाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। अवमन आम आदमी प्याज अथवा टमाटर 10 रुपये से 30 रुपये किलो तक खरीद पाता है, वहीं जब ये सब्जी 50 से या 100 रुपये किलो के बीच बिकने लगी तो आम आदमी की पकड़ से बाहर हो जाती है। ये प्याज क्या रेट की खरीदी आपने? 60 रुपये किलो। कैसी लगी ये? पहले क्या रेट थी? पहले 20 रुपये किलो थी। अब क्या महंगी हो गई है प्याज? पहले कितनी ले जाते थे घर के लिए? 2 किलो ले जाते थे। अब कितनी ले जा रहे हो? आधा किलो लिए जा रहे हैं। ये प्याज इतनी महंगी हो गई है, इसके संबंध में क्या कहना है आपका? अरे प्याज तो इतनी महंगी हुई, खाओ भी खराब हो गई। महंगी ज्यादा हो गई, बहुत महंगी। क्या रेट बिक रही है मार्केट में? मार्केट में 60 रुपया 70 रुपया, इतने से कम नहीं है। और मान लो 2 किलो 3 किलो ले जाते थे तो फिर कितनी ले जा रहे हो? घर किलो आधा किलो पावन, इतने से ज्यादा हिम्मत नहीं पड़ती। आपने प्याज खरीदी 11 रुपये किलो खरीदी? 60 रुपये। तो कितनी प्याज लिया आपने? पहले कितनी ले जाती थी घर? इसके पहले कितनी घर ले जाती थी प्याज? अब ढाई आधा किलो भी काम चलाना पड़ रहा है। अब इतनी तेजी हो गई है, क्या करें, महंगाई की होती जा रही है। पहले प्याज क्या रेट मिलती थी? पहले अब क्या रेट की हो गई? 50 की हो गई। तो कितनी खरीद रही? 10 की पग्गा भर ले आए। 10 की ले आए पग्गा, खराब ले आए, सही नहीं ले आए। 5 की क्या ठगुआ दही? क्या ऐसी गठिया, 4 गठिया दही 5 रुपये की। तो कितने दिन चला होगी? क्या करें, महंगाई की वजह से महंगाई हो गई है प्याज। हिंडोन सिटी में मुस्लिम समाज के जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह मुस्लिम परिषद की ओर से गणेशियम रिसोर्ट में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वक्फ बोर्ड के खानुखां बुधवाली रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुफ्ती खलील अहमद कासमी ने कहा कि दुनियावी तालीम के साथ साथ हमें दीनी तालीम भी हासिल करनी चाहिए। महाराष्ट्र के बुलडाणा जिले के जलगांव जामोद में गठबंधन स्वाभिमानी किसान संगठन राष्ट्रीयवादी कांग्रेस में सीट को लेकर बढ़ती दिक्कत अभी जारी है। इसी की वजह से स्वाभिमानी किसान संगठन के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष रविकांत तुपकर का इस्तीफा कार्यकर्ता समेत रयत क्रांति संगठन में जाहिर प्रवेश की वजह से जलगांव जामोद विधानसभा में स्वाभिमानी की दिक्कत बढ़ती जा रही है। स्वाभिमानी किसान संगठन के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष रविकांत तुपकर सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ रयत संगठन में प्रवेश किया। जलगांव जामोद विधानसभा में स्वाभिमानी कमजोर दिखाई दे रही है। ऐसा आपको क्यों लगा ऐसा कि कमजोर हो गई? ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये अभी आपके मीटिंग में आपने देखा अभी, तो इतने लोग जुटे हुए हैं, ऐसी कोई समझने की बात नहीं है। और किसी के एक चले जाने से कोई संगठन ऐसा छोटा नहीं होता है। एक क्रांतिकारक चला गया तो एक या तो 100 तैयार होते हैं, ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है। ताकत वैसी है हमारे साथ, सभी वो संगठन के कार्यकर्ता यहीं वहीं के वहीं। अगर आगाड़ी को टिकट नहीं छूटेगा तो स्वाभिमानी का अगला निर्णय क्या है? नहीं, अभी तो
चर्चा चालू है ना, अभी तो फाइनल कुछ भी नहीं हुआ है ना, अभी एक दो दिन में और बैठक है, मैं भी रहूंगा वो बैठक में मुंबई में। फाइनल के पहले आपने प्रचार का नारा पढ़ा है ना? देखेंगे ना, अभी अभी तो एकदम दो दिन पे आया हुआ है, अभी इमीडिएट उसके बारे में बोलना कोई बात नहीं है, लेकिन हम कोशिश है हमारी प्रशांत के लिए, प्रशांत डिक्कर के लिए हम जोर लगा के जगह जगह छोड़ेंगे। अगर नहीं छूटे तो अगला निर्णय क्या है? तो हमारे जो जो कोर कमेटी है वो बैठ के हम तय करेंगे क्या करना है। खबरों में बात करते हैं आगरा के, जहां पर ताज नगरी में आएगी बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर, चैरिटेबल संस्था के कार्यक्रम में होगी शामिल। शहर के डिजाइनरों द्वारा किए जा रहे कार्यक्रम का आयोजन अक्टूबर को डिजाइनर मीट गाला मुस्कान वे संकल्प संस्था के लिए चैरिटेबल कार्यक्रम होटल डबल टी हिल्टन में किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्घाटन बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री करिश्मा कपूर करेगी। हम लोग बहुत खुश हैं दैट वी आर गेटिंग टू एसोसिएट विद डिजाइनर मेट गाला। इट्स वन ऑफ अ काइंड इवेंट्स इन द सिटी और पहली बार कृष्णा जी इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एंड एज अ ब्रांड लुक सलोन की तरफ से हमारी बहुत बहुत गुड विशेस टू हर, एंड वी लाइक टू इनवाइट एवरीबडी कि आप लोग सब जरूर आए एंड सी द अमेजिंग कलेक्शन ऑफ ज्वेलरी, क्लोथ्स, होम डेकोर आर्टिकल्स, एंड वी विल ऑल्सो बी देयर। हम लोग की सर्विसेज वहाँ पे अवेलेबल रहेंगी फॉर द मॉडल्स एंड एनी मेकअप्स और एनी हेयर स्टाइलिंग विल बी अवेलेबल देयर। सो होपिंग टू सी ऑल ऑफ यू देयर एंड लुकिंग फॉरवर्ड। थैंक यू। ना फॉर डिजाइनर मेट गाला में मैंने सारा फैशन हैंडल किया है। वी हैव क्रिएटेड अ गुड लाइन ऑफ फैशन डिजाइनर्स फॉर आगरा और इट इज़ अ वेरी पॉकेट फ्रेंडली एग्जीबिशन। यहाँ पे सबके लिए सब कुछ है, लाइक फॉर ऑल एजेस, फॉर ऑल साइजेस एंड लाइक ऑल पॉकेट्स। सो ये एग्जीबिशन आगरा में पहली बार ऐसी एग्जीबिशन कोई होने वाली है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आगरा अभी तक सिटी ऑफ ताज की तरह माना जाता है, अब सिटी ऑफ फैशन की तरह भी जाना चाहिए। इसके लिए नया प्रयास क्या है? नया प्रयास कि हम इतने सारे डिजाइनर्स एक ही साथ एक लेवल पे लाए हैं, एक बैनर के अंदर लाए हैं। सेलिब्रिटी करिश्मा कपूर जो हमारा इनॉग्रेट करेंगे इवेंट, सो वी आर डूइंग अवर बेस्ट टू मेक आगरा रेज एट द फैशन लेवल। ठीक है, एक्सीलेंट। खबरों में बात करते हैं अमरोहा की, जहां पर धनोरा तहसील के उप जिला अधिकारी ने चार्ज लिया और चार्ज लेते ही उन्होंने कहा कि 716 के मुकदमे जितने भी व्यक्तियों पर पेंडिंग चल रहे हैं, सबसे पहले उन मुकदमों को निरस्त किया जाएगा और उन व्यक्तियों से 5 वर्ष लगवाए जाएंगे। वहीं हमारे संवाददाता सतपाल मान से खास बातचीत की, क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुनाते हैं। देखिए, यहाँ की जो समस्याएं हैं उनका लोगों के साथ वार्ता करके बैठ करके समस्याएं क्या है, उनके समाधान क्या है, जन सहयोग से हम उन समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता देंगे। विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों से मीटिंग करके कुछ चीजों को निकालेंगे कि जो समस्याएं चल रही हैं उनका कैसे समाधान हो। इस समाधान में हमें ग्राम प्रधानों को, उनके निर्वाचित ग्राम पंचायत सदस्यों को, डीडीसी सदस्यों को, सबको जोड़ना है, विभागीय कर्मचारियों को, सबको इस कार्य में जोड़ना है और सारे कर्मचारी अपनी पूरी क्षमता से मिल करके हम लोग यहाँ काम करेंगे। निश्चित रूप से एक व्यक्ति के निर्माण में बहुत इन्वेस्टमेंट होता है, माता पिता का, सोसाइटी का, अगर इतना इन्वेस्टमेंट है व्यक्ति में होता है तो व्यक्ति की भी दायित्व बनता है कि इस इन्वेस्टमेंट के अनुरूप सोसाइटी को लौटाए ताकि सोसाइटी रहने लायक एक अच्छी जगह। ये प्रयास हम लोगों ने शुरू किया, उसी क्रम में ग्राम प्रधानों की शिखर मीटिंग होने जा रही है। ग्राम प्रधानों के साथ हम लोग ग्राम पंचायत शिकायत पुस्तिका प्रत्येक ग्राम पंचायत पर रखाएंगे। गांव का कोई भी व्यक्ति जिसकी कोई समस्या है वो प्रार्थना पत्र नहीं दे, पेपरलेस व्यवस्था बनाने हम लोग जा रहे हैं। वो केवल उस शिकायत पंजिका में अपना डिटेल भरेगा, अपनी समस्या बताएगा, अपना मोबाइल नंबर लिखेगा, अपना हस्ताक्षर अपने अंगूठा निशानी लगाएगा। ग्राम प्रधान और जो बॉडी है वो सबसे पहले उस पर रिएक्ट करेगी, देखेगी उसकी समस्या क्या है और किस तरह समाधान है, क्या उसमें लोगों को जोड़ के समाधान किया जाएगा या किसी कर्मी को बाहर से बुलाना है। इसके लिए हमने अपने लेखपाल और जो ग्राम पंचायत अधिकारी हैं उनको ये जिम्मेदारी दी है कि वो ग्राम प्रधान के कॉल करने पर गाँव में जाएंगे और मिलकर उस व्यक्ति की समस्या का समाधान करेंगे। पेपरलेस व्यवस्था बनाने से ये फायदा होगा कि जो हमारे ग्रामीण व्यक्ति हैं
जैसे इन क्षेत्र के लोग हैं उनके समय और धन की बचत होगी, जो समय और धन उनका जैसे मुख्यालयों ब्लॉक मुख्यालयों जिला मुख्यालयों पर जाने में लगता है, ये बचा हुआ समय और बचा हुआ धन उनके लिए उत्पादकता में काम आएगा, यानी उनकी उत्पादकता अपने देश की अपने तहसील की सबकी उत्पादकता होगी और इस बचत से उनका समाधान भी होगा और हमारे उत्पादकता से श्रम और धन भी जुड़ेगा। कन्नौज जनपद में हुई लेखपाल के साथ मारपीट हुए दुर्व्यवहार को लेकर लेखपाल में रोष प्रदर्शन चल रहा है। वहीं धनोरा तहसील में भी लेखपालों द्वारा अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। और जो छिबरा मऊ तहसील जिला कन्नौज में जो घटना हुई है, हमारी महिला लेखपाल है उनके साथ बदतमीजी हुई है, उसी अधिवक्ताओं ने उनके साथ बदतमीजी करी है। देवेंद्र कुमार राजपूत अधिवक्ता हैं वहाँ पर, उन्होंने उनके साथ बदतमीजी करी है और जब वो उन्होंने जो आरक्षण वाला प्रमाण पत्र है उनसे जबरदस्ती बनवाने की कोशिश करी जा रही थी, उन्होंने जब उस चीज़ के लिए मना कर दिया तो उनके साथ बदतमीजी करी, मारपीट करी और वहाँ पर फिर लेखपालों की मीटिंग में उन्होंने लेखपालों को बंद करके अधिवक्ता ग्रहों पर हमला करा है। ये एक बहुत ही निंदनीय घटना है वहाँ की और ये जो वहाँ के डीएम साहब हैं और पुलिस अधीक्षक जी हैं उनकी मौजूदगी में ये घटनाएं हुई है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वहाँ से उनका स्थानांतरण होना चाहिए और दोषी अधिवक्ताओं के खिलाफ उनका लाइसेंस रद्द होना चाहिए, उन्हें जेल जाने चाहिए वो। और जो इस समय हमारी सुरक्षा को देखते हुए हम लोग में से जो इच्छुक हैं उन्हें लाइसेंस दे दिया जाना चाहिए लेखपालों को, क्योंकि लेखपाल पुलिस का काम एक जैसा ही है, हमें शस्त्र उपलब्ध भी करा देनी चाहिए क्योंकि रात दिन का हमारा काम है। हम लोग जो है अपने आपको अब सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं और ये बहुत ही निंदा की बात है और हम धरना देते रहेंगे जब तक दोषियों के खिलाफ गिरफ्तारी नहीं हो जाती है और ये धरना ऐसे चलता रहेगा। आज इस समय हमारे 74 लेखपाल धरना में मौजूद हैं, जो सारे लेखपाल हैं हमारे तहसील के, और यहाँ लखनऊ में एक मीटिंग भी है आज जो यहाँ से जिला मंत्री और जिला अध्यक्ष जी गए हैं और आज के बाद में अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो जो निर्णय वहां से लिया जाएगा धरना लगातार जारी रखा जाएगा जब तक कि उनके दोषी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाता।